दोस्तों भारतीय टीम ने तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 7 ओवर में हराने के बाद उसकी औकात याद दिला दी और तोड़ दिया 90 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड। आखिरकार गाइस सभी जानना चाहते हैं भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को कैसे रौंदा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लंदन के मैदान पर तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए 4 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा विराट कोहली ने 85 रन की तूफानी पारी खेली, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 65 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब ऑस्ट्रेलिया की टीम जब मैदान पर आई तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के भारतीय गेंदबाजों ने परखच्चे से उड़ा कर रख दिए और ऑस्ट्रेलिया की टीम को केवल 7 ओवर में 77 रन के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया, जिसमें भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए अक्षर पटेल ने 3 विकेट चटकाए, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए। और इस तरीके से तीसरा T20 मुकाबला जीतने के बाद भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या भारतीय टीम WTC के फाइनल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पाएगी या फिर नहीं।